नमस्कार आदाब दोस्तों, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं इकराम। 2 महीने हो गए हैं लॉकडाउन को चलते हुए। इस बीच कोरोना से बहुत सारे लोगों की मौत हुई है और 1.5 लाख से भी ज़्यादा क्रॉस हो चुका है आंकड़ा हमारे यहाँ पे कोरोना संक्रमण से पीड़ित लोगों का। लेकिन बहुत सारी ऐसी मौत हुई हैं जो नहीं होनी चाहिए थी, जिसके जो गैर जिम्मेदाराना रवैया सरकार ने और प्रशासन ने अपनाया है प्रवासी मजदूरों के लिए, आम आदमियों के लिए, जिसके चलते बहुत ज़्यादा मौत हुई है। मैं एक नज़र उस पर डालूंगा, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे पुलिस की बर्बरता से। जितने लोगों की मौत हुई है, या मौत नहीं हत्याएं हुई हैं, क्योंकि किसी को मार के पीट के अगर मौत हो रही है तो वो हत्या ही कहलाई जाएंगी, वो मौत नहीं कहलाई जाएंगी। तो एक ताज़ा आंकड़ा हमारे सामने आ रहा है उन लोगों का, पहले मैं उन पर ही बात करूंगा। पुलिस के द्वारा जिन लोगों की मौत हुई है, पुलिस की पिटाई से, पुलिस की बर्बरता से, पुलिस की लाठियों से जिन लोगों की मौत हुई है, और ये आंकड़ा जारी किया है गैर सरकारी संगठन जिसका नाम है कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट इनिशिएटिव। उसने एक रिपोर्ट बनाई है मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार। जैसे मैंने भी पिछले महीने खबर की थी जब लॉकडाउन को 1 महीना पूरा हो गया था कि पुलिस के द्वारा कितने लोगों की मौत हुई थी है। उसी के आधार पर, बेस पर, बहुत सारे मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एक रिपोर्ट सामने आई है 25 मार्च से लेकर 30 अप्रैल के बीच तक। अभी इस महीने के आनी बाकी है, हालांकि उसी बीच हम बात करेंगे कि 15 लोगों की मौत हुई है अभी तक पुलिस की पिटाई के द्वारा। तो पहले इन पर नज़र डालते हैं, बाकी फिर मैं आपको बताऊंगा कितने लोगों की मौत और इस किस कारण से हुई है। तो यहाँ पर जो आंकड़ा निकल का है, इसमें 12 तो वो थी जो सीधे सीधे पिटाई से मौत हो गई, और 3 ऐसे लोग थे जो पुलिस कस्टडी में जिनकी मौत हुई थी। तो मैं इनके थोड़े से आपको नाम बता देता हूँ, ज़्यादा नाम नहीं है, ज़रा आप सुन लीजिएगा कौन कौन सी जगह के ये लोग थे। तो जो 12 मृतक हैं बेचारे जिनकी मौत हुई है, उसमें लवकुश, मोहम्मद रिजवान और रोशन लाल, ये 3 लोग उत्तर प्रदेश के थे जिनकी पुलिस की पिटाई से मौत हुई है। बंसी कुशवाहा, टीबू मेदा, ये 2 लोग मध्य प्रदेश से थे। शेख मोहम्मद, वीर भद्रैया, पेदादा, श्री निवास राव, ये लोग आंध्र प्रदेश से थे। सगीर जमाल खान महाराष्ट्र से थे। अब्दुल रहीम तमिलनाडु से थे। लाल स्वामी पश्चिम बंगाल से थे। और भूपेंद्र सिंह पंजाब से थे। ये 12 लोग वो थे जिनकी सीधी सीधी पुलिस की पिटाई से मौत हुई है। 3 लोग जो थे उसमें से वो लोग थे जिनकी पुलिस कस्टडी में मौत हुई, जिनको गिरफ्तार करके पुलिस ले गई थी। अब आप मेरी पिछले महीने की अगर वो वीडियो देखें जिसमें मैंने बताया था जब चंद लोगों की ही मौत हुई थी, कि कोई अगर दवाई लेने जा रहा है, पुलिस ने उसको रोका, उसके साथ मारपीट की, कोई अगर अपने यहाँ किसी रिश्तेदार की कोई बीमारी की खबर सुन के गया है बेचारा, क्योंकि उसके यहाँ कोई था नहीं, घर वाले ज़्यादातर सबके इधर उधर हैं, तो पुलिस ने उसको रोका, उसकी पिटाई की। कोई दूध लेने जा रहा था, उसने बताया सर मैं दूध लेने जा रहा हूँ, बच्चे घर में भूखे हैं, बिस्किट लेने जा रहा हूँ, तो पुलिस ने उसकी पिटाई की। एक शख्स की ऐसे ही मौत हुई थी, उसने कुछ खाया नहीं था, घर से बाहर निकला, 2-3 दिन हो गए थे, कुछ खाने को मिले, पुलिस ने उसकी पिटाई कर दी। ऐसी तमाम मौत हुई हैं पुलिस के द्वारा, जो ये इससे भी इतने कारण थे कि वो भूखे हैं, वो गरीब हैं, घर से बाहर निकले कुछ खाने के लिए, पुलिस की लाठियों का शिकार हो गए। शिकार नहीं, ये सिर्फ हत्या ही हुई, इनको आप हत्या ही मानिए, क्योंकि पुलिस पे एक्शन तो अभी तक किसी ने नहीं लिया। सिर्फ 2 जगह ऐसे ही हुई हैं जहाँ पे 2 पुलिस वालों को निलंबित किया है, सस्पेंड किया है, वो मैं बता देता हूँ कौन कौन सी जगह थे। देखिए 2 मामलों में, सिर्फ 2 मामले में, ध्यान से सुनिएगा, ये एक मामला इसमें से उत्तर मध्य प्रदेश का है, बंसी कुशवाहा जिसकी मौत के मामले में 1 पुलिस वाले को सस्पेंड किया, वहीं आंध्र प्रदेश से शेख मोहम्मद हाउस, इन दोनों मामले में मजिस्ट्रेट ने भी जांच के आदेश दिए हैं। बाकी कुछ मामले में पुलिस के आला अधिकारी मना कर चुके हैं कि यहाँ पर मौत हुई नहीं है, हमारे यहाँ हमारे पुलिस की लाठी से मौत नहीं हुई है। लेकिन आप तमाम मीडिया रिपोर्ट्स, अखबार पिछले 2 महीने के अगर आपको पढ़ेंगे, सिर्फ इतना लिखना है पुलिस से मजदूरों की, पुलिस की पिटाई से मजदूरों की मौत लॉकडाउन में, आपको तमाम सारे आंकड़े मिल जाएंगे। वही आंकड़े, वही रिपोर्ट्स मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, 1 महीने पहले भी मैंने आपके सामने रखी थी, लेकिन आज मैं इस पर बात करना ज़रूरी है, समझ रहा हूँ कि 2 महीने हो चुके हैं लेकिन कोई किसी तरह का, ना कोई निलंबित हो रहा है, ना कोई सस्पेंड हो रहा है, बस खाना पूर्ति चल रही है। ये कोरोना वॉरियर्स हमने इन्हें बनाए थे, पुलिस वालों को भी कोरोना वॉरियर्स की उपाय दी थी, फूलों से इनका स्वागत किया, जगह जगह फूल मालाओं से इनका स्वागत कर रहे हैं, हेलीकॉप्टर से इनका स्वागत करा रहे हैं, लेकिन चंद पुलिस वाले अपने आप को पता नहीं कौन सा शहंशाह, कौन सी तोप समझ बैठे हैं कि ये लोग जो हैं अपने आप को ना जाने क्या समझ के इन मजदूरों के साथ इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ कि वैसे जब ये तो पिटाई से इनकी मौत तो हो रही है मजदूरों की, फर्क किसी अधिकारी को पड़ता नहीं है। कल ही आप देख लीजिए भाजपा के बंगाल के जो अध्यक्ष हैं दिलीप घोष, उनका बयान कितना शर्मनाक है, उनका मुझे सुन के इतनी शर्म आई। उन्होंने कहा कि जो ट्रेनों में लोग जिनकी मौत हो रही है, जो ट्रेन से आ रहे प्रवासी मजदूर, वो कोई बड़ी बात नहीं है,
मतलब इनके लिए मौत कोई बड़ी बात नहीं है, किसी घर का चिराग बुझ जाए इनको घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला, ये इनके मतलब अपनी एक तरह की सोच है। वो एक नोडल ऑफिसर है, झारखंड से खबर आई थी कि वहाँ पर एक प्रवासी मजदूर ने उसको फ़ोन किया, उसको कहा कि सर सुबह से हो गई, सिर्फ एक बिस्किट और एक पानी की बोतल मिली है, कुछ खाने का इंतजाम कराइए, हम लोग प्रवासी मजदूर हैं, स्पेशल ट्रेन से वापस आ रहे हैं। उसने कहा जो देना है ट्रेन देगा। कहला सर यहाँ तो कोई दे नहीं रहे, हम क्या करें कि आप ट्रेन से कूद जाइए। मतलब ना अधिकारियों को जान की परवाह है मजदूरों की, ना ही इनको परवाह है। और मीडिया की बात करें, मीडिया तो ये ढूंढने में लग जाएगा, अब इसके पास तो सामान नहीं है, ये स्टेशन पे क्या कर रहा है, स्टेशन छोड़िए मस्जिद के बाहर खड़ा होकर क्या कर रहा है। भीड़ का याद है ना आपको, बांद्रा स्टेशन मुंबई जब भीड़ लग गई थी लोगों ने कि ट्रेन चल रही है, वहाँ पे मस्जिद, ज़्यादातर मेट्रो स्टेशन या रेलवे स्टेशन के आसपास मस्जिदें धार्मिक स्थल होते ही हैं, तो वहाँ पर मीडिया ने क्या दिखाया, अरे ये जानबूझकर भीड़ इकट्ठा की गई है, मस्जिद के बाहर इकट्ठा की गई है, पूरी तमाम डिबेट चलाए उस पर। लेकिन जब माफ़ी मांगने की बारी आई, जब FIR दर्ज होनी शुरू हो गई, तब एक लाइन में माफ़ी मांगकर निकल लिए। तो कोई किसी को फ़र्क नहीं पड़ रहा, चाहे नेता हो चाहे अधिकारी हो, उनके लिए मौत, इनके मजदूरों की मौत तो खासकर कोई बड़ी बात नहीं रखते हैं। अब थोड़ा सा आंकड़ा मैं एक और फिर डाल देता हूँ कि किन किन लोगों की और कारण से मौत होगी, जैसे किसी ने सुसाइड कर लिया, कोई अकेला महसूस कर रहा था, घर से बहुत दूर था, डिप्रेशन का शिकार हो गया था, उन लोगों की मौत के आंकड़े पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। देखिए दो दिन पहले आंकड़े तक 667 से भी ज़्यादा लोगों की मौत हुई है, जिसमें मजदूर थे, 667 से तो ज़्यादा मजदूरों की मौत हो गई है। और अब मैं थोड़ा सा आंकड़ा ये बता देता हूँ कि किन किन कारणों से कुछ लोगों की मौत हुई है। जैसे थकान से 42 लोगों की मौत हो गई है, जो पैदल अपने घर के लिए जा रहे थे, लंबा सफ़र किया जिन्होंने, आधे रास्ते में जिनकी मौत हो गई। भूखमरी से अभी तक 114 लोगों से भी ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, 114 पार कर चुका है ये आंकड़ा। पुलिस की कुर्तर से मैं आपको बता चुका हूँ, 15 लोग अभी तक मौत की नींद सो चुके हैं। इलाज की कमी के कारण, कोई बीमार है, इलाज नहीं मिल पा रहा है टाइम से, 54 लोगों से भी ज़्यादा की मौत हो चुकी है। सड़क हादसे, सबसे बुरी मौत जिन्हें मैं कहूँगा, घर की उम्मीद के लिए चले थे लेकिन न घर पहुँच सके, न किसी से मिल सके, और रास्ते में ट्रेन का शिकार हो गए, सड़क का शिकार हो गए। बहुत सारे हादसे हुए लगातार, आपने देखे ही हैं, उसमें 205 लोगों की मौत हुई है, 205। शराब या खुदकुशी, शराब ना मिल पाने के कारण जो लोग एडिक्टेड हैं, जो लोग ज़्यादा पीने के तलब जिनको लगती है, और बाकी लोगों ने डिप्रेशन के कारण जो खुदकुशी की है, 50 लोगों की मौत हो चुकी है। डर, अकेलापन, यानी कि जो अकेला महसूस कर रहे थे, बहुत दिनों से अपने घर वालों से मिले नहीं है, 120 लोगों के। और यही अन्य कारण, 170 लोगों की मौत हो चुका है, अन्य जो लोगों की मौत हुई है जिनके कारण की अभी पुष्टि नहीं हो सकी है, वो 170 से थे। यानी कि कोरोना से जो मर रहे हैं वो अलग संख्या है, और ये जो संख्या आ रही है निकल के, ये ज़्यादा, और ये वो लोग हैं जो अपने घर के खाने कमाने वाले अलग ही थे, घर से बाहर रहकर काम कर रहे थे, अपने घर वालों की उम्मीद थे, अपने पैसे कमाकर उनके घर भेजते थे, ये वही लोग थे, यानी कि वही घर का चिराग बुझा है जिससे रोशन होता था पूरा घर, तो ऐसे चिराग बुझ गए। और ज़्यादातर इनमें किन की मौत, जो सबसे ज़्यादा जिन्हें मैं हत्या ही मान रहा हूँ, पुलिस की पिटाई से। वैसे तो ये सभी एक तरह से हत्याएं हैं दोस्तों, इसमें कहने में कोई गुरुज नहीं है। बिना तैयारी के लॉकडाउन कर देना, बिना रणनीति बनाए एक तो पूरे देश पर एक फैसला थोप देना, तो उसका कारण पूरा देश भुगत रहा है। थोड़ी सी भी तैयारी की थी, क्योंकि जो जहाँ है वहीं रहे, सिर्फ ये कह देना मात्र इलाज नहीं था, ये एक तरह से बिल्कुल भी जायज़ नहीं मानता मैं इस चीज़ को। आप लोगों का क्या कहना है नीचे कमेंट कीजिए, खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।